हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? मैं बहुत बेटर हूँ, बहुत सही हो रही हूँ तबीयत, क्योंकि फुल रेस्ट है, कुछ काम नहीं है, बेड पे खाना लेटना, खाना लेटना, ये सब चीज़ें ही हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ, बचपन से लेकर अभी तक का मेरा जो भी सफ़र रहा है वो कैसा रहा है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा सुनने में, और क्योंकि वीडियो बनाने के लिए वही, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं बाहर जा नहीं सकती, तो इसलिए मुझे घर में बैठकर, और मैं चाहती हूँ कि मैं डेली डालूँ, लेकिन डेली कई बार ऐसा हो जाता है मेरे पास कुछ भी नहीं होता, तो फिर ना मैं बना पाती, तो उस वजह से भी फिर मैं रहने देती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस, और बचपन से लेकर मेरी लाइफ कैसे गुजरी है, और मेरी लाइफ में क्या क्या चीज़ें थी, और मैं कहाँ रहती थी, और मैं बेसिकली कहाँ की हूँ, तो वो सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए अच्छे से बैठ जाइए, जरा अच्छे से मतलब सोफे पे बैठ जाइए और देखिए और सुनिए। चलिए मैं आपको दिखाऊँगी तो फिर क्या सुनाती हूँ। चलिए मैं आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ। एक्चुअली वीडियो बनाते बनाते जो आपको बीच में साउंड आएगा ना, ये देखो अभी सिटी का, तो जहाँ पर मैं अभी रह रही हूँ वहाँ पर है कि मतलब कबूतरबाज हैं लोग, जो कि कबूतर उड़ाते हैं, तो वो सीटियाँ मार मार के कबूतरों को बुलाते हैं, तो बीच बीच में आपको उनकी आवाज़ भी आएगी, और एक कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है साथ में, तो मे भी हो सकता है उसकी भी आवाज़ें आपको आए। तो मैं पैदा हुई थी शिमला में, और मेरी मदर जो है वो है तो बेसिकली पंजाब की, मेरे मदर फादर, लेकिन मेरी मदर जो थी वो शिमला की थी, शिमला में शुरू से वो रहते थे, फादर मेरे पंजाब में रहते थे। तो जब मेरे फादर की जॉब गवर्नमेंट जॉब लगी तो वो दिल्ली में आ गए, तो दिल्ली में आने के बाद हम दिल्ली में हमने मतलब रहना शुरू कर दिया, मतलब शिमला में मैं बॉर्न हुई, मतलब बॉर्न होने के बाद मैं दिल्ली में आ गई। दिल्ली में आने के बाद तो जब भी हम स्कूलों की 2 महीने की छुट्टियां पड़ती थी, हम छोटे छोटे थे, तो मेरे पापा पंजाब लेके जाते थे, तो 2 महीने हम वहाँ पंजाब में रहते थे। पंजाब में भी जलंधर के पास, नकोदर, नकोदर के पास शाहपुर, वो मेरा गांव है। अब तो बहुत चेंज हो गया, जब हम पहले जाते थे तो टेम्पू चलते थे, और खेती बाड़ी मतलब खेत बहुत सारे थे, रोड भी बिल्कुल कच्ची थी, तो अब तो काफ़ी बदल गया। वैसे अभी बहुत टाइम हो गया मैं गई नहीं हूँ, सोच रही हूँ कि अभी मैं थोड़ी सी सही हो जाऊँ उसके बाद मैं ज़रूर पंजाब जाऊँगी, क्योंकि मुझे पंजाब जाना बहुत अच्छा लगता है। एक तो बहुत टाइम के बाद रिश्तेदारों से मिलो, मेरी मासियाँ वहाँ रहती हैं, बुआ मेरी रहती है, चाचा मेरे वहीं रहते हैं, तो मिल के ना बड़ा अच्छा सा लगता है, मतलब बहुत सारी जो पुरानी यादें हैं ना वो ताज़ा हो जाती हैं। तो फिर दिल्ली में हम रहने लगे, दिल्ली में ही मैंने स्कूलिंग करी, और मेरे दो ब्रदर अब रह गए, एक मेरे ब्रदर की डेथ हो गई थी, मेरे ब्रदर की जिसकी डेथ हुई थी वो 28 ईयर का था जब उसकी डेथ हुई, तो वो मतलब दो ब्रदर के बीच का था, मतलब सेकंड नंबर का था, मैं फोर्थ नंबर की थी, मेरे 3 ब्रदर थे और मैं थी, मतलब मैं हूँ, और मतलब फर्स्ट सबसे बड़ा भाई, फिर उससे छोटा भाई, फिर उससे छोटा भाई, फिर सबसे छोटी मैं, मतलब मैं। तो जब मेरी मम्मी बताती हैं कि जब मेरे ब्रदर हुआ था, जो मेरा सबसे बड़ा ब्रदर हुआ था, तो मतलब कि बहुत प्रॉब्लम्स मेरी मम्मी को सहनी पड़ी। एक तो उस टाइम पे क्या होता था, ठीक है मेरे फादर की गवर्नमेंट जॉब थी, बट फिर भी सैलरी इतनी नहीं थी, क्योंकि उनका जो था मतलब जॉइंट फैमिली थी पंजाब में, तो उनको थोड़ा खर्चा पानी वहाँ पर भी भेजना होता था, और फिर अपने भी बच्चे, अपने भी 4 बच्चे, उनका भी पालन पोषण करना है, तो वो मतलब फिर भी मतलब जैसे भी कह लो, पैसे की कमी की वजह से या किसी भी वजह से ना, वो मतलब सिलाई का काम करती थी, मतलब मशीन चलाती थी, जैसे घर में मैं हूँ, मेरे कपड़े मेरी मम्मी सिलती थी, मेरे भाइयों की शर्ट और ट्राउज़र वगैरह सब वो घर पे ही सिलती थी, कि थोड़ा खर्चा बचेगा, अगर बाहर से सिलवाएंगे, रेडीमेड लाएंगे तो महंगे पड़ेंगे, तो उन्होंने घर में मशीन चलाती थी। तो इस तरीके से धीरे धीरे करते करते मेरा ब्रदर मतलब कि बड़ा हुआ, जो मेरा बीच वाला ब्रदर था वो बचपन से क्या 4-5 ईयर का होने जब हुआ तो वो बीमार होना शुरू हो गया। एक्चुअली मेरी मम्मी कहती है कि जब उसको बहुत तेज फीवर हुआ था ना,
तो उसको कोई एक दवाई जो थी ना वो रिएक्शन कर गई थी, पता नहीं क्या, क्योंकि हमें भी नहीं पता, हम भी बहुत छोटे थे तब, मैं बहुत छोटी थी, तो वो उसकी किडनी पे इफ़ेक्ट कर दिया, जिससे उसकी किडनी जो थी ना वो ख़राब होनी शुरू हो गई, मतलब ख़राब शुरू हो गई थी, मतलब होनी शुरू हो गई थी। तो धीरे धीरे करते करते जब वो 10th में आया तो उसकी दोनों किडनियाँ ख़राब हो गई। तो मेरा जो बड़ा ब्रदर मतलब है वो इंजीनियरिंग करने के लिए, सॉरी, इंजीनियरिंग करने के लिए वो पटियाला में गया था, थापर कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पर उसने इंजीनियरिंग करी। और जो मेरा ब्रदर बीमार था, उससे जो छोटा भाई था वो भी पढ़ रहा था, वो भी मतलब 4th 5th में था, मैं तो बहुत छोटी थी तब। तो ऐसे करते करते मेरी मम्मी उसको हॉस्पिटल, क्योंकि फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाना होता था, उसके फिर डायलिसिस शुरू हुए। मेरे पापा टूर पे रहते थे, कभी मतलब टूर पे कहीं जाना, ऑफिस की तरफ से कभी कहीं जाना, तो मेरी मम्मी ही भाग दौड़ मतलब करती थी। तो जो मेरा छोटा ब्रदर था वो मेरी मम्मी की हेल्प करता था। मेरे जो बीमार ब्रदर था ना वो मतलब 3-4 बार 10th में फेल हो चुका था, क्योंकि उसका माइंड भी थोड़ा सा ना वीक था। वही दवाई का असर एक तो किडनी पे भी करा और एक माइंड भी उसका वैसा मतलब थोड़ा सा बोल लो कि बहुत स्लो चलता था। तो उसने 3-4 बार 10th के एग्ज़ाम दिए पर क्लियर नहीं हुए। तो जब वो 10th के फिर दोबारा एग्ज़ाम दे रहा था और बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, तब मैं कॉलेज में थी। तो जब मैं कॉलेज से जैसे 12 बजे आ गई, या आज मेरी क्लासेस कम है तो मैं आज जल्दी आ गई, तो इस तरीके से आती थी। तो घर में देखती थी लॉक लगा हुआ, तो मेरे पड़ोसी जो थे, एक मतलब हमारे घर के पड़ोस में ही सामने गढ़वाल की ही मतलब वो फैमिलीज रहती थी, बहुत अच्छी फैमिलीज थी, ठीक है अभी भी हैं वो। तो वो फैमिलीज को मेरी मम्मी की दे जाती थी, तो जब मैं आती थी तो मैं उनसे की लेती थी, तो वो मुझे बताती थी कि तेरे ब्रदर की तबीयत ख़राब हो गई है, तो तेरी मम्मा उसको हॉस्पिटल लेके गई है। तो मैं जब घर की कुंडी खोलती थी, सिंक में बर्तन पड़े हैं, घर के अंदर झाड़ू पोछा, मतलब कुछ सफाई नहीं हुई है, तो मैं देख के पहले तो जैसे ही होता है ना बच्चे को, तब तुम घर से बाहर से धूप में से आओ और आपको घर अगर साफ मिलता तो आपको खुद को कितना अच्छा लगता है, बट आप बाहर से, और वो भी तुम बच्चे हो, मतलब बच्चे क्या मतलब बड़े हो, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि घर जाती थोड़ा खाना पीना खाओ और रेस्ट करो। तो मैं देखती थी, मेरे को बहुत वो लगता था कि है अब मुझे बर्तन धोना है, झाड़ू पोछा लगाना है। भाभी थी वो, तो वो मुझे आके बोलती थी कि पहले रानी खाना खा ले, मेरे घर का नाम रानी है। तो मैं बोलती थी नहीं, पहले मैं सफाई करूँगी घर की, फिर मैं खाना खाऊँगी। तो जैसे गढ़वाल में वो दाल चावल बनाते हैं ना, पतले पतले दाल और चावल और छोटी छोटी सी डेगची सी रखी हुई थी उनमें, वो उनके बच्चे खाते थे, तो वो मेरे लिए भी ना उसी में मतलब लेके आती थी थोड़ी सी दाल चावल, और मुझे बिठा कर मतलब अपने सामने खिलाती थी, कहती थी तू खा। मतलब हमारे नेबर जो भी है ना, मतलब मेरे मायके के, बहुत अच्छे, बहुत बहुत ही अच्छे, उन्होंने बहुत हेल्प करी है। इसलिए मैं कई बार क्या, मैं बहुत बार उनके बहुत शुक्रगुजार होती हूँ, क्योंकि जिस वक्त पर मतलब एक तुम्हें हेल्प की ज़रूरत होती है ना, उस वक्त पे उन लोगों ने बहुत हेल्प किया, और वो मैं हेल्प अभी तक याद रखती हूँ। मैं कभी भी जाती हूँ, बहुत अच्छे से उन आंटियों को मिलती हूँ, उन भाभीियों को मिलती हूँ, बहुत दिल खुश होता है उनको देख के। तो करते करते फिर ऐसे ही मतलब एक दिन ऐसा आया, हालत उसकी बहुत बिगड़ गई। हाँ एक और किस्सा, जब मैं हम एक बार पंजाब जाते थे, पंजाब में मेरे पापा नॉर्दर्न रेलवे में हैं, तो उन्होंने क्या करा, पंजाब में जाते हो मतलब ट्रेन की टिकट हम लोगों की बुक कर दी। तो मेरा जो ब्रदर बीमार है, हम सब उसको भी लेके गए, वो भी गया हमारे साथ। तो मेरे पापा ने मेरे ब्रदर के लिए मतलब पंजाब में लड़की देखी हुई थी कि वो शादी के लिए, कि अब शादी की एज है तो इसकी शादी करेंगे बड़े भैया की। तो हम देखने के लिए गए, तो मेरा ब्रदर जो था ना, किडनी की प्रॉब्लम थी, पूरी बॉडी सूज जाती थी, जैसे वो सॉल्ट खाता था पूरी बॉडी में नमक की वजह से वो पानी भर जाता था। तो हम मेरी मम्मी ने बोला कि ट्रेन मतलब हम ना खाना ट्रेन में खाएंगे, मैं घर से बना के ले चलती हूँ। मेरी मम्मी ने घर से खाना बनाया, ट्रेन में हम लेके गए, हम सब बहन भाई बैठ के मतलब ट्रेन में खाना खा रहे। तो जो मेरा ब्रदर बीमार था वो सीट पे बैठा हुआ था, पूरा सूजा हुआ था उसका मुंह हाथ पैर। तो मैं उसको मतलब देख रही थी, तो मैं जैसे ही खाना खाने लगी, मैं मेरी मम्मी का खाने का मन नहीं करता था, जब
वो साथ में होता था, मेरी मम्मी को होता था कि वो देखा, क्योंकि जो हमारा खाना होता था वो नहीं खा सकता था, उसको बिना नमक का खाना देना होता था। तो लेकिन मेरी मम्मी ने बोल दिया मैं नहीं खा रही, तुम लोग खा लो। तो हम लोग ऐसे ही खाना, मतलब जैसे खाने लगे, तो वो ना बैठा हुआ था सीट पे, उसको अलग सीट दे दी थी मेरे पापा ने, क्योंकि रिजर्वेशन हम चारों की कर रखी थी, तो उसको अलग से एक दे दी थी हम। तो जैसे ही वो खाना हम खाने लगे ना, उसको खुशबू आई खाने की, तो वो ऐसे मुड़ने लगा, वो मुड़ा और धार धने से ना सीट पे, जैसे ही उसको खाने की खुशबू आई वो ऐसे मुड़ा मुड़ा, तो धार धने से वो गिर गया, मतलब अपनी सीट से। तो हम सब ने अपना खाना वैसे ही उठा के रख दिया, हमने नहीं खाया, बिकॉज उसको लग रहा था कि हम उसके साथ शेयर करें अपना खाना जो सॉल्टी है, स्पाइसी है, बिकॉज वो नहीं खा सकता था। तो ये सब चीज़ें ना मेरे को बहुत याद आती है। और जब हम कभी भी खाना खाने बैठते थे, उसको वोमिट हो जाता था, तो मेरी मम्मी उसी टाइम अपनी प्लेट रखकर उठती थी, क्लीन करती थी, और फिर बोलती थी बच्चों हम लोगों को कि तुम उस दूसरे रूम में जाके खा लो, जब ये सोएगा तो फिर मैं अपने आप खा लूँगी। तो वो जो वक्त था ना, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी फैमिलीज में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो लेकिन जब तुम उस वक्त को याद करते हो ना, तो तुम अपने, मतलब अपने आप में ना एक सिमट से जाती है कि देखो, मतलब क्या एक लाइफ होती है ना, लाइफ मतलब शुरू से एकदम नॉर्मल आपकी लाइफ चलती है, नॉर्मल चलते चलते तुम्हें नहीं पता कहाँ पे वो कब किस जगह पे एक मोड़ ले लेगी। तो ऐसे ही चलता रहा, जब वो 28 का हो, ये सब चीज़ें जो है ना 10-12 साल उसकी लाइफ में मतलब चली। 12 साल मेरी मॉम ने उसको बहुत अच्छे से उसकी केयर करी। फिर हम पंजाब पहुँचे, पंजाब पहुँचने के बाद जो है फिर वहाँ पे हम लड़की देखने के लिए गए थे अपने ब्रदर के लिए, तो हमको पसंद आ गई। तो मेरे मतलब सब मम्मी ने मेरे ब्रदर को, जो बीमार था, उस ब्रदर को एक दूसरे कमरे में बिठाया था, क्योंकि उसको पूरे बॉडी में स्वेलिंग थी कि वो मतलब नहीं जाए उन लोगों के सामने। लेकिन एक होता है ना, उसका भी मन था कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी भाभी कैसी है, तो वो छुप छुप के मेरी मम्मी को पता ही नहीं चला, और जहाँ पर वो सब बैठे हुए थे लोग, वो लड़की बैठी थी, तो उनको देखने के लिए वो आया। तो फिर अपने रूम में आके मेरी मम्मी को बोलता कि मतलब ओके, मतलब पसंद है। तो फिर उसके बाद रिश्ता हो गया मेरे ब्रदर का। रिश्ता होने के बाद फिर हम मतलब दिल्ली वापस आए। दिल्ली वापस आने के बाद फिर थोड़े टाइम के बाद फिर उसकी तबीयत और ख़राब होनी शुरू हो गई। ख़राब होने के बाद एक दिन ऐसा आया कि वो मतलब कि नहीं रहा। फिर हॉस्पिटल में जैसे ही उसकी तबीयत ख़राब हुई, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उसको हॉस्पिटल लेके गए। उस टाइम पे घर पे मेरे पापा भी टूर पे गए हुए थे, मेरा ब्रदर भी मतलब कि अभी पटियाला में था। तो जब वो आया, तो फिर आने के बाद देखा कि मेरा ब्रदर नहीं है, तो फिर उसको कॉल, मतलब ब्रदर की तबीयत ख़राब हो रही है, तो फिर उसको कॉल करके बुलाया गया। मेरे पापा को उसी दिन आना था, तो वो अचानक आ गए। वो भी आए, पर उनको भी पूरा रात नींद नहीं आई, एक बेचैनी लगी रही कि बेटा हॉस्पिटल में है। तो फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग वो ख़त्म हो गया, मतलब भगवान के पास चला गया। फिर उसके बाद मेरे ब्रदर की जॉब लगी, फिर जॉब लगने के बाद फिर उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद फिर मेरी शादी हुई। मेरी शादी हुई तो मैं मतलब मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी, फिर मैंने बीएड किया। फिर मेरे ब्रदर ने मेरे फादर को बोला कि उसको बीएड करा देते हैं टीचर्स की जॉब के लिए, मतलब अच्छा है कि लड़की के लिए टीचर की जॉब, तो बीएड कर लेगी तो फिर कल को ये जॉब कर सकती है। तो फिर मेरे ब्रदर ने मेरे को बीएड करवा दी। बीएड करवाने के बाद फिर स्कूल में वहाँ प्राइवेट, जब तक शादी नहीं हुई तो वहाँ पर जो भी मेरे घर के आसपास प्राइवेट स्कूल थे वहाँ पर मैं जॉब करती थी। जॉब करने के बाद फिर मेरा रिश्ता हो गया। रिश्ता होने के बाद फिर मेरी में शादी हो गई। शादी होने के बाद भी फिर मैं जब आई शादी होके, तो भी मैं बैठती नहीं थी, फिर मैं ट्यूशंस लेती थी बच्चों को,
पढ़ाने के लिए घर पे बच्चे आते थे तो मैं उनको ट्यूशंस देती थी। ट्यूशंस देने के बाद फिर मेरी बेटी हो गई। बेटी होने के बाद फिर एक यहाँ पर अंबेडकर भवन में ही एक वेलफेयर एसोसिएशन है जहाँ पर गरीब बच्चों को मतलब पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर उनको एक घंटे की क्लास के लिए कोई टीचर चाहिए थी जो कि बीएड जिसने की हो। मेरे हस्बैंड की कज़न थी तो मेरे को बोलती भाभी जी आप यहाँ पे जाके अप्लाई करो, देखो क्या पता आपको मिल जाए। तो फिर मैंने 9 महीने तक वहाँ पर जो मतलब बच्चे आते थे वो अम्बेडकर भवन में, वहाँ पर मैंने उन बच्चों को क्लासेस दी। फिर उसके बाद टाइम गुजरता गया, फिर मेरा बेटा हुआ, तो फिर उसके बाद हमारी पोस्टिंग हो गई, पोस्टिंग पे चले गए। सबसे पहले पोस्टिंग में मैं कॉपेनहेगन गई, वहाँ 3 साल रही। 3 साल रहने के बाद मतलब मेरी फैमिली में ना जो मेरे फादर थे ना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं कुछ कान में पहनूं या मैं डांस करूं। जैसे मुझे डांस का शौक था तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। वो पंजाबी में बोलते थे कि पढ़ने वाले बच्चे ना तो कभी कन्ना चपांदे या ना तो डांस कर दे या वो सिंपल रहते हैं। तो फिर हिम्मत नहीं पड़ी किसी चीज़ को करने की। बट शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने और मेरी मतलब ससुराल में मेरी फैमिली ने मेरे को हर एक चीज़ में बहुत सपोर्ट करा है। जैसे ही मैं मतलब फर्स्ट पोस्टिंग पर हस्बैंड के साथ कॉपेनहेगन गई, वहाँ पर जाकर मैंने स्टेज पर डांस किया। मतलब अपनी एक होता ना अपने इंडियन कल्चर को आप बाहर जाकर आपको दिखाना कि हाँ हमारे इंडिया में साड़ी कैसी होती है, मतलब साड़ी को कैसे पहनते हैं, इंडियन डांस कैसा होता है, क्लासिकल डांस क्या होता है, सेमी क्लासिकल क्या होता है, तो उस तरीके से हम प्रोग्राम करते थे। तो तब से मैं बहुत ज़्यादा ओपन हो गई, मतलब मुझे डांस करना ना फिर इतना अच्छा लगने लगा, मेरा एक शौक बन गया, मेरे अंदर डांस आ गया। हालांकि मैंने सीखा नहीं और मैं ये भी नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ, बट मुझे शौक है डांस करने का। तो ऐसे ही जो भी प्रोग्राम्स होते थे कॉपेनहेगन में तो उनमें मैं डांस करती थी या कुछ भी एक्ट होता था वो हम करते थे, पूरे हमारा एक ग्रुप बना होता। उसके बाद फिर मैं इंडिया आई, इंडिया में आके थोड़ा टाइम रही, फिर इंडिया में थोड़े टाइम रहने के बाद फिर मैं गई दुबई में, हमारी पोस्टिंग हुई दुबई में। भी मैंने स्कूल में जॉब करी क्योंकि बीएड की डिग्री थी तो स्कूल में हिंदी की टीचर मैं थी वहाँ पर। फिर उसके बाद मैं स्वीडन गई, स्वीडन में भी मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में डांस किया, वहाँ पे भी मैंने जॉब करी। वहाँ पे मैंने फचूरा इंटरनेशनल स्कूल था उसमें मैंने जॉब करी। फिर उसके बाद मैं जापान में आई पोस्टिंग होकर, तो जापान में तो मैंने इतने प्रोग्राम करे हैं ना स्टेज पे, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करे हैं। मैं हमेशा रील्स में भी अपने बहुत सारे डांस डालती रहती थी। तो वहाँ पे जापान में तो मैं 4 साल रह गई, तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करा। इवन वहाँ पे सिर्फ डांस ही नहीं करा, हमने एक्ट भी बहुत करे, बहुत सारा एक्ट भी करे। बहुत अच्छा एक फैमिली मतलब सर्कल बन गया था हमारा, फ्रेंड्स भी नहीं कहूँगी मैं तो, एक फैमिली फ्रेंड सर्कल बन गया था हम लोगों का। हम आपस में मिलते थे रोज़, हमारे जहाँ पर हम रहते थे वहाँ पर एक ऑडिटोरियम था जिसमें हम प्रैक्टिस करते थे। जब भी कोई प्रोग्राम आ रहा होता था इंडियन कल्चर का या जैपनीज मतलब जैपनीज लोगों के साथ मिलकर कुछ करना है, वो सब चीज़ें हमने करी। तो जो सफ़र रहा ना मतलब बाहर जब कंट्रीज़ में मैं चली गई, विदेशों में मैं घूमी, तो मुझ में बहुत सारे चेंजेस आए क्योंकि वहाँ पे लोग आपको बिल्कुल भी जज नहीं करते, आप कैसे डांस कर रहे हो क्या कर रहे हो, लोग इंजॉय करते हैं। और ऐसा नहीं होता कि जो जिसने डांस सीखा है वो ही डांस मतलब कर सकता है। अरे एक ही इन्जॉय है आपके अंदर से, इन्जॉय निकलता है, आप म्यूज़िक बजता है, आप अपने अपनी बॉडी को मूव करते हो, हिलाते हो मतलब जुलाते हो, तो मतलब डांस एक रिदम आती है आपके अंदर। तो मैं मुझ में वो सब चीज़ें कि अब कभी भी कहीं पे भी म्यूज़िक बजता है ना, हाँ एक अच्छा माहौल है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, तभी ऐसे नहीं कि कहीं पर भी गली में भी बज रहा है तो मैं शुरू होते नहीं, एक हेल्थी एटमॉस्फेयर हो, एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो जो तुमको खुद ब खुद खींचता है, वहाँ का म्यूज़िक तुम्हें खुद ब खुद खींचता है कि आओ डांस करो। बहुत अच्छे फ्रेंड्स जापान में बने जो अभी भी मैं भूल नहीं सकती, हालांकि फ़ोन पे बात होती नहीं होती है, ज़रूरी नहीं है, बट वो सब जो लोग हैं ना मेरे अंदर हैं, मतलब मैंने हर जगह पे ना बहुत प्यार पाया, चाहे फ्रेंड्स के थ्रू हो, चाहे मेरी फैमिली हो, चाहे मेरे रिलेटिव्स हो, बहुत मतलब मैं इस मामले में अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ। तो यहाँ तक का अभी तक मेरा सफ़र रहा है। और हाँ अभी जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि मैं
मेरी सर्जरी हुई है तभी मुझे, वैसे तो 3 मंथ्स का मुझे रेस्ट बोला, बट 1 मंथ मुझे बेड रेस्ट है। तो वो रेस्ट करने से पहले, मतलब सर्जरी से पहले, मैं यहाँ योगा भी सीखती थी, योगा क्लासेस में जाती थी, फिर अपनी ड्राइविंग क्लास में जाती थी, और फिर मैंने एक कोचिंग भी और शुरू करी है। किस चीज़ की कोचिंग करती हूँ वो मैं अभी आपको बाद में बताऊँगी। तो वो सब चीज़ें भी मैंने शुरू कर दी थी, बट अभी योगा वगैरह तो मेरा बंद हो गया है, योगा और ड्राइविंग क्लासेस, बट कोचिंग की क्लासेस, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बैठती हूँ, थोड़ा लेटती हूँ, थोड़ा बैठती हूँ, तो वो क्लासेस मैंने दोबारा से फिर शुरू कर दी है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरी जो भी स्टोरी। क्या, हर किसी की एक अपनी स्टोरी है, हर ज़रूरी ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरी स्टोरी बहुत डीप है या ये है। बस मैं तो जो भी मेरी लाइफ में होता है, जो एक्सपीरियंस मैं करती हूँ, मैं आपसे शेयर करती हूँ। ऐसे बहुत सारी फैमिलीज है जिनकी पता नहीं और कितनी अच्छी अच्छी और भी स्टोरीज होंगी, और अगर आप सुनने बैठो तो रियली मैं आपके रोंगटे खड़े होंगे। मैं तो जस्ट ये है कि मैं बताना चाहती थी कि अपने बारे में, अब मुझे नहीं पता मेरा वीडियो कितने लोग देखेंगे कितने नहीं देखेंगे, लेकिन एक होता है ना, मैंने देखो, मुझे नहीं पता मेरे को कितने सब्सक्राइबर आ रहे हैं कितने, बस हाँ मुझे ये है कि मैं, मेरी जो भी चीज़ें हैं मैं उसको यूट्यूब पे डालती हूँ। इसलिए डालती हूँ क्योंकि मैं उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करती हूँ, और मेरा मन होता है कि मैं शेयर करूँ कुछ। मैं अपनी चीज़ों में, कोई अपने वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं डालती हूँ, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं मैं वो सब डालती हूँ, शेयर करती हूँ आपके साथ वो सारे एक्सपीरियंस। तो चलिए आज बस इतना ही, थैंक यू सो मच। और वैसे भी मैं अब टायर्ड हो रही हूँ, अब थोड़ा लेट हूँ क्योंकि काफ़ी देर से मैं बैठी हुई हूँ। तो चलिए बाय बाय, आप सभी अपना ध्यान रखें क्योंकि गर्मी भी बहुत पड़ रही है, और प्लस पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, और हमेशा चेहरे पे स्माइल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको दिखाना भूल ही गई, जहाँ पर मैं योगा सीखती थी, इसलिए कह रही हूँ कि अभी 3 महीने के लिए मैं नहीं जा सकती, तो अभी छोड़ा हुआ है। मैं छोड़ूंगी नहीं, आफ्टर 3 और maybe 4 months के बाद मैं वहाँ फिर जाऊँगी योगा क्लास में। तो वहाँ पर डांस परफॉर्मेंस मैंने दिया था, जब उनका जो योगा सिखाती है उनका बर्थडे था, तो उन पर उन्होंने मुझे ये दिया। रियली में मैं इतनी खुश हुई ना, बहुत ज़्यादा। मैं तो डांस सिर्फ एक ना फन के लिए और एक इन्जॉय के लिए करती हूँ, मुझे नहीं पता कि लोगों को मेरा डांस इतना पसंद आ जाएगा। और जिन भी लोगों ने वहाँ पे परफॉर्म किया था, उन सबको, उनकी मतलब कि बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उन लोगों ने उन सबको मतलब ये दिया। तो मैं इतनी खुश थी ना, बहुत ज़्यादा, मैंने घर में भी आके सबको दिखाया रियली में। और जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया ना, तो बाद में उनको बहुत अफसोस हो रहा था, तो वो कहते क्यों नहीं हमने परफॉर्म किया, हमको भी ये मिलता। तो रियली में आई एम सो हैप्पी विद दिस। रियली कुछ चीज़ें होती है ना, तुम पाकर बहुत खुश होते हो, बहुत ज़्यादा खुश होते हो।